हेलो दोस्तों, मैं हूं कृष्ण। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैनल पर आप लोगों के लिए अगर आप जेई 2019 या 2020 के एस्पिरेंट्स हो, या आप नीट 2019 या 2020 के एस्पिरेंट्स हो, तो दोस्तों आप लोगों को इस चैनल पर पूरी वीडियो फ्री में अवेलेबल होंगी। दोस्तों जो वीडियोज अवेलेबल होंगी वो आप लोगों को बता दूँ, मैं डेली आप लोगों के लिए एक लेक्चर फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर डेली अपलोड कर रहा हूँ, और वो आप लोग जाके देख सकते हो। वो उसकी लिंक मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अनअकैडमी ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, और उस ऐप पर आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगी, और वहाँ पर आप लोग सारी वीडियो देख सकते हो मेरी, जो भी मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। ये सारी वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए फ्री रहेंगी बिल्कुल, आप लोगों को कोई भी चार्ज नहीं देना इन वीडियोज के लिए। तो चलिए अब बुक्स की स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बुक्स की स्ट्रेटेजी है, तो दोस्तों फिजिक्स की, सबसे पहले फिजिक्स की बात करता हूँ। तो देखिए फिजिक्स के अंदर जो आपकी एस सी वर्मा है दोस्तों, तो इसके अंदर आप लोगों को एस सी वर्मा, ये आपकी बाइबल है आईआईटीजेई फिजिक्स के लिए। ठीक, आप आईआईटीजेई की तैयारी करो या नीट की तैयारी करो, एस सी वर्मा की थ्योरी पढ़ सकते हो। और एस सी वर्मा में जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व क्वेश्चन दे रखे हैं, वो क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हो। एस सी वर्मा आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगी, ये आपके कॉन्सेप्ट को बहुत ही क्लियर कर देती है बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप लोग और ज़्यादातर, अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में थ्योरी चाहिए, तो आप हेलिडे रेशनिक को यूज कर सकते हो, ये भी एक ब्रिलियंट बुक है। सिंगेज को बी एम शर्मा वाली जो बुक है, ये बुक आपकी एक्सीलेंट फॉर बोथ थ्योरी एंड प्रॉब्लम्स। इसमें थ्योरी बहुत अच्छी है आप लोग, और प्रॉब्लम्स भी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं फिर भी ये रिकमेंड करूँगा आप लोगों के लिए कि एस सी वी की ही आप लोग, एस सी वर्मा की ही थ्योरी पढ़ें। प्रॉब्लम्स के लिए जो सॉल्व क्वेश्चन है उसके लिए सिंगेज को यूज कर सकते हो। इट विल टीच यू मेनी न्यू कॉन्सेप्ट्स विच यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट आफ्टर बीइंग थोरो विद एस सी वर्मा। ऑल्सो सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ दिस बुक विद डिलीजेंस। दिस स्टेज इज टू बी फॉलोड इफ एंड ओनली इफ टू स्टेज आर डिलीजेंटली कम्प्लीटेड, सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द पास्ट 34 ईयर्स आईआईटीजेई प्रॉब्लम्स। दोस्तों आप लोग लास्ट ईयर्स के 30 ईयर्स आईआईटीजेई प्रॉब्लम्स का एमटीजी पब्लिकेशन की बुक आती है, अरिंद पब्लिकेशन की भी आती है, कोई बुक यूज कर सकते हो। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, डीसी पांडे की जो बुक है, डीसी पांडे सर की जो बुक है आपकी आईआईटीजेई के लिए, वो बुक आप लोग रेफर कर सकते हो। और अगर आप लोग चाहते हो अपनी 500 के अंदर रैंक लाना आईआईटीजेई के अंदर, तो आप लोग एरोडोप को सॉल्व कर सकते हो। एरोडोप से ओनली आपको मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को ही सॉल्व करना है, और एरोडोप की बुक तो आप लोगों को पता ही है। केमिस्ट्री के दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, केमिस्ट्री के लिए आप लोगों को बेसिक एनसीईआरटी बुक्स पढ़िए आप लोग सबसे पहले, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो स्पेशली सेम क्वेश्चन नीट में और आपके जेई में, दोनों में के अंदर ये पूछे जाते हैं। तो आप लोग नीट और जेई के लिए तो एनसीईआरटी बुक्स ही पढ़िए। उसके बाद मैं, अगर आप कोई बुक यूज करना चाहते हो, तो बुक के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप लोग एनसीईआरटी यूज कीजिए, और सिंगेज की थ्योरी के लिए सिंगेज को यूज कर लीजिए। ओपी टंडन को यूज कर सकते हो, आरसी मुखर्जी को यूज कर सकते हो, इसके अंदर न्यूमेरिकल। इनऑर्गेनिक के लिए जेडी लिखे केवल वो वाले चैप्टर जो आपके सिलेबस में है, एमएस चौहान को आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए यूज कर सकते हो। इसके लिए भी दोस्तों आप आईआईटीजेई के जो पेपर्स हैं आपके लास्ट ईयर के 34 ईयर्स के, अरिंद के या एमटीजी पब्लिकेशन के पढ़ सकते हो। मैथमेटिक्स के लिए दोस्तों आप लोगों को बता दूं, इसमें बहुत ज़्यादा आपको क्या रिवीजन की जरूरत पड़ती है और प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। तो एलजेब्रा के लिए जो बुक है आपकी हॉलैंड नाइट बुक है दोस्तों, इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो ट्रिग्नोमेट्री के लिए बुक है, ट्रिग्नोमेट्री के लिए आप एस एल ओन को यूज कर सकते हो, और लास्ट ईयर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने करने हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए सिंगेज को यूज कर सकते हो, एसलोनी को भी, दोनों को यूज कर सकते हो। और एक बुक आती है दोस्तों एस के गुप्ता अरिंद पब्लिकेशन की, इस बुक में क्या कर सकते हो आप, इस बुक से कुछ गिने चुने क्वेश्चंस कर सकते हो, और ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं वाले। कैलकुलस के लिए दोस्तों सिंगेज पब्लिकेशन को यूज कीजिए, बेस्ट है। वेक्टर एंड 3D के लिए आप सिंगेज पब्लिकेशन को यूज कीजिए, बेस्ट है। इसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप बहुत ज्यादा और प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो मैथ्स के लिए, और आप लोग जैसे फिजिक्स में एरोडोप को करते हैं, उसी तरह से अगर आप मैथ्स में भी करना चाहते हो, तो टाटा मैक्रो हिल्स के नाम जो पब्लिकेशन है उसकी बुक, या जो मैं आप लोगों को अरिंद पब्लिकेशन की जो एक बुक आती है एस के गुप्ता नाम सर से, वो वाली बुक यूज कर सकते हो। ठीक दोस्तों, इसके बाद अगर आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए 34 ईयर्स आईआईटीजेई प्रॉब्लम्स तो आप लोग को यूज कर पढ़ने ही पढ़ने हैं। दोस्तों ये हुई दोस्तों पूरी आप लोगों की बुक लिस्ट, ये मैं आप लोगों को और एक बार दिखा देता हूँ। ये प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स के लिए ए प्रिंस की कॉन्सेप्ट, एस सी वर्मा फंडामेंटल फिजिक्स, हेलिडे रेशनिक, जनरल फिजिक्स एरोडो, एप्टीट्यूड प्रॉब्लम्स क्रोटो, ये। लेकिन आपको ये वाली बुक यूज नहीं करनी, इन बुक से बचना ही बचना है दोस्तों। इसके बाद ये और बुक है, ये वाली भी नहीं पढ़नी आप लोगों को,
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अरिंद प्रकाशन की भी यूज कर सकते हो आप बुक को, बहाल बहाल इसको भी रहने दीजिए, इसको जो मैंने दोस्तों आप लोगों को बुक बताई है केवल आप लोगों वाली बुक्स फॉलो कीजिए। और आप लोग अगर उन बुक्स को फॉलो करते हो तो दोस्तों श्योर है कि आप लोगों का सिलेक्शन इस साल 2019 और 2020 में होगा। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियो बनाऊंगा कि आप लोगों को कैसे क्या क्या पढ़ना है, उन वीडियोज के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आप लोगों को आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगली वीडियो में मिलेंगे एक नई चीज के साथ।